इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है गोडजिला और कोंग सदियों से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और इन दोनों ने ही कई सारे मॉन्स्टर को हराया है। पर जल्दी इन दोनों में एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। वहीं फिर हम स्कल आइलैंड में बनी एक डोम फैसिलिटी को देखते हैं जिसमें कोंग को कैद करके रखा हुआ था ताकि गोडजिला से ढूंढते हुए यहाँ न आ सके। कोंग अब काफी बड़ा और विशालकाय हो चुका था। वो आज सुबह जल्दी उठकर नहाने लग जाता है मगर वो काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसे यहाँ आइलैंड पर कैद करके रखा हुआ था। वो पेड़ को छीलकर उससे डोम को तोड़ने की कोशिश करता है। वहाँ हम जिया नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो जन्म से ही ना तो सुन सकती है ना ही बोल सकती है मगर वो कोंग से इशारों में बात कर सकती थी और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सालों पहले उसके पेरेंट्स एक तूफान में मारे गए मगर कोंग ने उसे बचा लिया था और वादा किया था कि हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। एलिन एंड्रयूज जब कोंग के गुस्से को देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो कोंग एक्सपर्ट होती है जो इतने सालों से कोंग को स्टडी कर रही थी और जिया को भी उसी ने गोद लिया हुआ था। बेन नाम का आदमी एलिन को कहता है कि अब यहाँ का वातावरण कोंग के लिए सही नहीं है और कोंग इस जगह को जल्दी नष्ट कर देगा, इसीलिए हमें इसे कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचना होगा। एंड्रयूज कहती है कि कोंग इस टापू की वजह से ही सुरक्षित है और अगर यहाँ से बाहर गया तो गोडजिला इसे ढूंढ लेगा और फिर इन दोनों में भयानक लड़ाई होगी क्योंकि ये दोनों महायोद्धा कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं झुकते जिनके सबूत पुरानी लोक कथाओं में है, इसीलिए हमें कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। वहीं फिर हमें बर्नी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक इंजीनियर होता है मगर वो साथ ही खबरी का काम भी करता है क्योंकि वो अपना पॉडकास्ट लाया करता है जिसमें वो एपेक्स कंपनी के राज दुनिया को बताना चाहता था। उसे शक होता है कि एपेक्स कंपनी जरूर कोई ऐसी चीज बना रही है जो बहुत ही खतरनाक होगी और इसी बात का पता लगाने के लिए वो पिछले 5 सालों से इसी कंपनी में काम कर रहा था। वो आज डेटा हैक करने के लिए एपेक्स के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ वो अपने दोस्त को बातों से पकाने लगता है जिससे जब वो बाथरूम जाता है तो बर्नी इस बात का फायदा उठाकर सारे डेटा को हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि एपेक्स कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को अपने हांगकांग हेडक्वार्टर में शिफ्ट करने वाली है लेकिन तभी वहाँ पर अलर्ट अलार्म बजने लगता है जिससे बर्नी काफी डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पकड़ा गया लेकिन ये अलार्म गोडजिला के आने का होता है। फिर हमें गोडजिला को दिखाया जाता है जो समुद्र से बाहर निकल आता है और एपेक्स कंपनी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो रास्ते में आती हुई हर चीज को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। सभी लोग डर कर इधर उधर भागने लग जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि गोडजिला उन पर हमला क्यों कर रहा है क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जिसने 5 साल पहले लोगों की जान बचाई थी। वहीं एपेक्स में सभी लोगों को गोडजिला के आने की वजह से बाहर निकाला जा रहा होता है। बर्नी भी वहाँ से बाहर भागने लगता है लेकिन तभी उसे सीक्रेट बंकर की तरफ जाते हुए गार्ड दिखाई देते हैं, इसीलिए वो भी उस तरफ चला जाता है मगर गार्ड उसे देख लेते हैं और वो उससे अंदर आने का पास मांगने लगते हैं मगर तभी गोडजिला वहाँ हमला कर देता है और अपनी न्यूक्लियर प्लस एनर्जी से एपेक्स को तबाह करने लग जाता है जिससे वो गार्ड मारे जाते हैं। बर्नी देखता है कि गोडजिला ने पूरी एपेक्स कंपनी को तबाह कर दिया है और वहाँ एक सीक्रेट बंकर में बहुत बड़ी रोबोटिक आंख रखी हुई थी, इससे वो बहुत हैरान होता है। अब अगले दिन हर जगह खबर फैल जाती है कि गोडजिला अब 3 साल बाद वापस लौट आया है और अब वो हमारा दुश्मन बन चुका है। एपेक्स कंपनी के सीईओ वाल्टन सिम्स सभी को न्यूज में बताते हैं कि गोडजिला इंसानों के लिए खतरा है और मेरी कंपनी एपेक्स के पास एक प्लान है जिससे हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। फिर हमें कॉलेज में पढ़ाई करती एक लड़की मेडिसिन को दिखाया जाता है जो भी इस न्यूज को देख रही थी लेकिन उसको इस बात पर यकीन नहीं होता कि गोडजिला इंसानों का दुश्मन बन गया है क्योंकि वो गोडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी फैमिली और उसे एक बार गोडजिला ने बचाया था, वो भी बर्नी के पॉडकास्ट को सुना करती थी जिससे उसे पता चलता है कि एपेक्स कंपनी में जरूर एक टाइटन मौजूद था जिसकी वजह से उसने वहाँ पर हमला किया। मेडिसिन अपने फादर के पास आ जाती है जिसका नाम मार्क रसल था। वो टाइटन रिलीफ एजेंसी के लिए काम करते थे। मेडिसिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गोडजिला कभी भी इंसानों का दुश्मन नहीं हो सकता। वो कहती है कि आप माँ के साथ वहीं थे जब गोडजिला ने हमें बचाया था और जरूर एपेक्स कंपनी ने ही उसके साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन मेडिसिन के फादर इस बात पर यकीन नहीं करते और उसे समझाने लग जाते हैं कि जीव भी इंसानों की तरह बदलते हैं और अब गोडजिला भी बदल गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसिन वापस से घर आ जाती है जहाँ वापस से बर्नी का ब्रॉडकास्ट सुनने लगती है जिसमें वो गोडजिला के बारे में बताता है कि एपेक्स जरूर कुछ बड़ा टाइटन बना रहा है। यह बात सुनकर मेडिसिन बर्नी से मिलने का डिसाइड करती है। फिर हमें एपेक्स कंपनी के सीईओ वाल्टन सिम्स
क्लिप्स को दिखाया जाता है जो डॉक्टर नेथन से मिलने जाते हैं। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने होलो अर्थ पर एक बुक लिखी थी। होलो अर्थ धरती की गहराई में मौजूद एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ गॉडजिला और कोंग जैसे टाइटन पैदा होते हैं, और नेथन का भाई उस दुनिया के अंदर दाखिल हो गया था लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाया। वाल्टन नेथन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपका होलो अर्थ का कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है, और उसे कहते हैं कि गॉडजिला ने कभी बिना भड़काए हमला नहीं किया मगर अब वो हमारा दुश्मन बन गया है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा। और उन्हें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर रेन से मिलवाता है। मिस्टर रेन उन्हें एक मैग्नेटिक इमेज दिखाते बताते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर एक समुद्र जितना बड़ा इकोसिस्टम है, और इस होलो अर्थ में एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी है जिसकी मदद से होलो अर्थ में गॉडजिला जैसे टाइटंस का जन्म होता है। इसीलिए अगर हम उस एनर्जी को ढूंढ सके तो हम एक ऐसा दानव बना सकते हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकता हो, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि होलो अर्थ में जाना नामुमकिन है क्योंकि जब भी कोई इंसान होलो अर्थ के अंदर एंटर करेगा तो रिवर्स ग्रेविटी की वजह से मारा जाएगा, और ऐसा ही मेरे भाई के साथ भी हुआ था जिससे मैंने मेरे भाई को खो दिया। वाल्टन उसे बताता है कि हमने होलो अर्थ एरियल व्हीकल बना लिया है जो इस तरह की ग्रेविटी का सामना कर सकती है, और वो नेथन को कहता है कि होलो अर्थ में जाना मुमकिन है अगर आप मिशन को लीक करें। वाल्टन डॉक्टर नेथन का साथ इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसको पता नहीं होता कि होलो अर्थ में वो एनर्जी कहाँ है जिससे वो मॉन्स्टर बना सकता है। डॉक्टर नेथन उन्हें अपना प्लान बताता है कि अगर इन टाइटन्स को होलो अर्थ से ही पावर मिलती है तो हम किसी टाइटन की मदद से उस एनर्जी को ढूंढ सकते हैं, और नेथन मदद लेने के लिए अपनी फ्रेंड डॉक्टर एंड्रयूज के पास जाता है और उसे अपना प्लान बताता हुआ कहता है कि हम कोंग की मदद से होलो अर्थ में पहुंच सकते हैं। वो उसे समझाता है कि तुमने हमेशा से माना है कि स्कल आइलैंड होलो अर्थ की तरह है जो समय के साथ सतह पर आ गया, और यहीं से कोंग के पूर्वज भी आए थे, इसीलिए हम अंटार्कटिका के एंट्रेंस से कोंग को होलो अर्थ ले जा सकते हैं क्योंकि वही उसका असली घर है और वो वही खुश रहेगा। डॉक्टर एंड्रयूज भी उसकी बात मान लेती है। अब डॉक्टर नेथन आर्मी और अपने दोस्तों के साथ शिप से कोंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने कोंग को चेन से बांध कर रखा होता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, पर वो कुछ समय बाद होश में आ जाता है। तभी वहाँ शिप पर एपेक्स कंपनी की एक और टीम आ जाती है। नेथन उसे मिलने जाता है जो वाल्टन की बेटी माया होती है। वो नेथन को बताती है कि मैं इस मिशन की प्रोजेक्ट हेड हूँ और मैं यहाँ तुम पर नजर रखने आई हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि होलो अर्थ एयर व्हीकल कुछ ही समय में अंटार्कटिका पहुँच जाएंगे जो बहुत ही हाईटेक है, और वो इतनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं कि उससे लॉस वेगस एक हफ्ते तक जगमगा सकता है। फिर वो अंदर चली जाती है। रात को कोंग काफी उदास होता है क्योंकि उसे चेन से बांध कर रखा गया था। कोंग की फ्रेंड यानी जिया को भी एहसास हो जाता है कि कोंग उदास है, इसीलिए उसके पास जाती है और उससे इशारों में बात करती है कि हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। एंड्रयूज जिया को लेने जाती है। एंड्रयूज के साथ साथ सभी से काफी हैरान हो जाते हैं कि जिया कोंग से बात कर सकती है क्योंकि अभी तक एंड्रयूज को भी नहीं पता था कि कोंग जिया से इशारों में बात करती है। डॉक्टर एंड्रयूज आर्मी कैट को कहती है कि हम उन जगहों से नहीं गुजरेंगे जहाँ से गॉडजिला वाकिफ हो क्योंकि अगर गॉडजिला को कोंग महसूस हो गया तो कोंग पर हमला कर देगा, और कोंग और गॉडजिला दोनों ही अपने आप को किंग मानते हैं, इसीलिए उन दोनों में से कोई भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। फिर हमें मेडिसन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड को अपने घर के बाहर बुला लेती है जिसका नाम जोश होता है, और वो उसके साथ उस एकर बर्नी से मिलने के लिए निकल जाती है मगर उन्हें बर्नी के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए एक शॉप से उसके बारे में तलाश करते हैं क्योंकि बर्नी को ब्लीच बहुत पसंद था। इसलिए उस शॉपकीपर की मदद से बर्नी के घर पहुंच जाते हैं और वो बर्नी से गॉडजिला के बारे में पूछने लगते हैं, तो उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां बर्नी उन्हें बताता है कि एपेक्स कंपनी कोई काफी बड़ी चीज बना रही है और वो उसे हांगकांग शिफ्ट करने वाले हैं, इसलिए गॉडजिला को यह बात पसंद नहीं आई और उसने एपेक्स पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं हमें जिया को दिखाया जाता है जिसे महसूस हो जाता है कि गॉडजिला आने वाला है, और तभी शिप में अलार्म बजने लग जाते हैं। जिया डॉक्टर एंड्रयूज को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर एंड्रयूज कहती है कि गॉडजिला हमारी तरफ ही आ रहा है, इसीलिए हमें कोंग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके खुद को और हम सबको बचा सके। लेकिन नेथन मना कर देता है कि अगर कोंग को कुछ हो गया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और कोंग को भी उसके आने का एहसास हो जाता है लेकिन उसे चेन से बांधा गया था, इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगता है, और फिर आर्मी गॉडजिला को रोकने के लिए उस पर मिसाइल से अटैक करने लग जाती है लेकिन इसे गॉडजिला पर कुछ भी असर नहीं होता। गॉडजिला सभी जेट्स को तोड़ देता है और
कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। कॉन्ग भी जोर से चिल्लाता है और चेन से आजाद होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी गोडजिला उनके शिप को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लग जाते हैं। डॉक्टर नेथन को कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो कॉन्ग को खोल देता है ताकि कॉन्ग गोडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचा सके। कॉन्ग अब आजाद हो जाता है और वो गोडजिला को मारने लगता है। कॉन्ग गोडजिला को एक पंच मारता है, जिससे गोडजिला समुद्र में काफी नीचे चला जाता है और तभी कॉन्ग बाहर आकर शिप को सीधा कर देता है, क्योंकि शिप में जिया मौजूद थी। गोडजिला एक बार फिर ऊपर आता है, यह देखकर कॉन्ग भी गुस्से में उससे लड़ने के लिए एक शिप से दूसरी शिप पर छलांग लगाता हुआ लास्ट शिप पर जाता है और कॉन्ग गोडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। गोडजिला भी कॉन्ग को मारता है और कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर से उठकर गोडजिला को मारता है, जिससे गोडजिला समुद्र में जाकर गिर जाता है, जिससे गोडजिला को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पल्स पावर से कॉन्ग पर अटैक करने लगता है। कॉन्ग ये देख लेता है और वो जल्दी से समुद्र में कूद जाता है। गोडजिला की न्यूक्लियर पावर बहुत ही खतरनाक होती है और वो हर जगह फैल जाती है, सब लोग इससे काफी डर जाते हैं। अब वापस पानी में कॉन्ग और गोडजिला की फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर गोडजिला कॉन्ग को पकड़ लेता है और उसे गहराइयों में लेकर जाने लगता है, क्योंकि कॉन्ग गोरिल्ला होने की वजह से पानी में सांस नहीं ले सकता था। यह देखकर डॉक्टर एंड्रयूज कहती है कि हमें कॉन्ग की हेल्प करनी होगी और वो पानी में अंडर वाटर बॉम्ब छोड़ते हैं, जिससे पानी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कॉन्ग गोडजिला से छूटकर बाहर आ जाता है। मगर ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो अब गोडजिला से नहीं लड़ सकता था। डॉक्टर नेथन को एक आइडिया आता है और वो सभी को ऑर्डर देता है कि सब कुछ साफ कर दो, सारे इंजन और सारी मशीनों को बंद कर दो ताकि कोई आवाज ना हो और गोडजिला को लगे कि हम सब मर गए हैं, और वो सारी चीजों को ऑफ करवा देते हैं, जिससे गोडजिला को भी ऐसा ही लगता है कि वो सब मर गए और वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर एंड्रयूज नेथन को कहती है कि अगर हम फिर से आगे बढ़े तो गोडजिला हमें फिर से फील कर सकता है और हम पर अटैक कर देगा, तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे और कॉन्ग को कैसे लेकर जाएंगे। तो डॉक्टर नेथन कहता है कि हम कॉन्ग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। वहीं फिर हमें बर्नी को दिखाया जाता है, जो एडिसन और उसके दोस्त को लेकर एपेस कंपनी में जाता है ताकि उन्हें रोबोटिक आंख दिखा सके, जो उसने गोडजिला के हमले वाले दिन देखी थी। मगर जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ वो रोबोटिक आग नहीं होती, लेकिन मेडिसन को वहाँ एक लिफ्ट दिखाई दे जाती है, जिससे जब वो नीचे जाते हैं तो जमीन के अंदर 33वें फ्लोर में पहुँचते हैं, जहाँ एपेक्स कंपनी के लोग काम कर रहे थे और वहाँ बहुत ही हाईटेक मशीनें भी होती है। तभी वहाँ उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और वो उनसे बचने के लिए एक मशीन में छिप जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही उस शिप के सभी गेट लॉक हो जाते हैं और वहाँ बहुत बड़े बड़े अंडे पड़े हुए होते हैं। तभी वो देखते हैं कि यह मशीन हांगकांग जा रही है और कुछ ही देर में वो मशीन टनल से बहुत ही स्पीड में हांगकांग लेकर जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को अंटार्कटिका के होलो अर्थ वाले गेट के पास ले जाती है, जहाँ जिया कॉन्ग को कहती है कि होलो अर्थ तुम्हारा घर है और इस टनल से तुम वहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन कॉन्ग वहाँ नहीं जाना चाहता था। तो मेथन एंड्रयूज से कहता है कि हमें कॉन्ग से कहना होगा कि होलो अर्थ में कॉन्ग का परिवार है, जिससे उसके अंदर चला जाएगा। तो एंड्रयूज भी उसकी बात मान लेती है और वो जिया को कहती है कि नीचे कॉन्ग का परिवार है, और जिया जब ये बात कॉन्ग को बताती है तो उस टनल से होलो अर्थ की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वो सब भी अपनी एंटीग्रेटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। कॉन्ग होलो अर्थ में जंप लगा देता है। होलो अर्थ एक बहुत ही अलग तरह की दुनिया होती है, जहाँ प्रति से विपरीत तरह की ग्रेविटी होती है, मगर वहाँ का वातावरण बिल्कुल अर्थ जैसा था। नेथन और उसके सभी साथियों को रिवर्स ग्रेविटी की वजह से चक्कर आने लगते हैं, मगर होलो व्हीकल की वजह से बच जाते हैं। सभी लोग होलो अर्थ को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत दुनिया थी। वहाँ अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, लेकिन तभी एक फ्लाइंग क्रिएचर एक एंटी ग्रेविटी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो एक वॉरबेट होता है। वो उस जिया वाली कार पर भी अटैक करने लगता है, मगर तभी कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से मारने लग जाता है। मगर वो वॉरबोट कॉन्ग को अपने पंखों में जकड़ लेता है, लेकिन नेथन उसकी मदद करने के लिए उस मॉन्स्टर पर फायर करता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और कॉन्ग उस वॉरबोट को बहुत बुरी तरीके से मार डालता है और उसका सर धड़ से अलग करके उसका खून पी लेता है। फिर कॉन्ग तेजी से सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बाकी सभी भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को एपेक्स के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है, जो कि एक रोबोटिक गोडजिला होता है, जिसे एपेक्स ने गोडजिला को मारने के लिए बनाया होता है। और इस गोडजिला का नाम मेका गोडजिला था, और इस मेका गोडजिला को कंट्रोल करने वाला मिस्टर रेन
होता है। मेका गोडजिला की पावर को चेक करने के लिए वाल्टन वहाँ पर एक स्कल क्रोलर को भेजता है। मेका गोडजिला यहाँ अपनी पावर का यूज करके स्कल क्रोलर के दो टुकड़े कर देता है, लेकिन तभी उसकी पावर खत्म हो जाती है और मेका गोडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी और यही वजह थी कि वाल्टन ने उन्हें सोर्स पावर ढूंढने के लिए होलो अर्थ भेजा था, ताकि वो उस पावर सैंपल से पावर बनाकर मेका गोडजिला को दोबारा एक्टिवेट कर सके। मेका गोडजिला के एक्टिवेट होने की वजह से गोडजिला उसे फील कर लेता है, इसलिए हांगकांग में मेका गोडजिला की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोंग एनर्जी सोर्स के पास जा रहा था, जो कि एक पहाड़ पर था। कोंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। कोंग को वहाँ पर एक कुलाड़ी मिलती है और ये कुलाड़ी कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि इसे गोडजिला की बॉडी के स्पाइक से बनाया गया था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेकर वहाँ एक किंग की तरह भेड़ जाता है। वहीं गोडजिला हांगकांग पहुँच चुका था और वो मेका गोडजिला की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकती है, जिससे उसकी एक्स चार्ज होने के बाद बहुत पावरफुल हो सकती थी। गोडजिला को कोंग के होलो अर्थ में पहुंचने का पता चल जाता है, जिससे गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन में मारने लग जाता है। वहीं एपेक्स वाल्टन की बेटी मिया सभी लोगों को धोखा देती है और वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेजने लग जाती है, ताकि वो लोग मेका गोडजिला को एक्टिवेट कर दे। एंड्रयूज उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और ने अपने गन से डराने लग जाती है। कोंग इससे हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे वहाँ मौजूद शैतान चमगादड़ जाग जाते हैं और उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी गोडजिला की पल्स जमीन को फाड़ते हुए वहाँ निकल आती है। यह देखकर मिया वहाँ से भागने लगती है और अब वो सैंपल भी सक्सेसफुली एपेक्स तक पहुँच गया था, जिससे वाल्टन खुश होता है। वही मिया जब गोडजिला के किए हुए छेद से भागने लगती है तो कोंग उसे पकड़ लेता है और उसे चेक करता है कि जिया उसमें नहीं है, इसीलिए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कोंग अपनी एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए ही गोडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है और उसके पीछे पीछे नेतन और उसके दोस्त भी चले जाते हैं। कोंग हांगकांग पहुँच कर गोडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से उसकी एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गोडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गोडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग हर बार बच जाता है और उस पर वार करता जाता है और तभी वो अपनी एक्स वापस उठा लेता है और गोडजिला को इंजर्ट कर देता है, जिससे गोडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग पर अटैक करने लगता है। लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है, लेकिन गोडजिला अपने न्यूक्लियर पावर की वजह से बहुत पावरफुल था, इसीलिए कोंग उससे जीत नहीं पा रहा था और उसकी एक्स भी दूर गिर गई थी। इसीलिए गोडजिला कोंग को बुरी तरह इंजर्ट कर देता है और उसके चेस्ट पर पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। कोंग भी उसे देखकर दहाड़ता है, जिससे गोडजिला कोंग के चेस्ट पर जोर से मारता है, जिससे उसकी बॉडी काफी डैमेज हो जाती है और फिर गोडजिला वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वाल्टन को दिखाया जाता है, जिसे अब एनर्जी सोर्स मिल चुका होता है, इसीलिए वो उसकी मदद से रोबो गोडजिला को वापस से एक्टिवेट कर देता है। मेका गोडजिला काफी बड़ा और ताकतवर होता है और जैसे ही उसका सिस्टम ऑन होता है तो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है और मेका गोडजिला सबसे पहले वाल्टन को मार देता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है, जो रोबो गोडजिला का पायलट था। फिर मेका गोडजिला अपनी पल्स पावर की मदद से बाहर आ जाता है और शहर में सब कुछ तबाह करने लग जाता है। गोडजिला जब मेका गोडजिला को देखता है तो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन मेका गोडजिला के पास न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ वेपन भी होते हैं, इसीलिए वो बहुत ताकतवर होता है, इसलिए गोडजिला उसे नहीं जीत पा रहा था। मेका गोडजिला गोडजिला को काफी ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और उसके दोस्त मेका गोडजिला की पावर को सर्वर से कट करके उसे ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ सारी मशीनों में पासवर्ड लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हमें कोंग को दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी
हुई थी, तभी जिया और डॉक्टर भी वहाँ इंटीग्रेटिव कार्ड लेकर पहुँच जाते हैं। जिया कोंग को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है और जब वो कोंग के पास जाती है तो महसूस करती है कि कोंग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है और वो जल्दी से जाकर डॉक्टर एंड्रयूज को इसके बारे में बताती है कि कोंग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है। डॉक्टर नेथन को एक आइडिया आता है और वो कोंग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देने का सोचता है और फिर वो उसी पावरफुल इंटीग्रेटिव कार से कोंग को शॉक देते हैं, क्योंकि उस कार के रिवर्स इंजन में बहुत पावर थी। कोंग को इससे काफी बड़ा झटका लगता है और कोंग दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। जिया इशारों से कोंग को समझाती है कि गोडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि मेका गोडजिला है, इसीलिए तुम जाकर गोडजिला की मदद करो और अपना ख्याल रखना, क्योंकि रोबो गोडजिला बहुत ताकतवर है। कोंग भी उसकी बात मानते हुए गोडजिला को बचाने चला जाता है। मेका गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गोडजिला को बस मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और कोंग यहाँ पर गोडजिला को बचा लेता है। गोडजिला भी समझ जाता है कि वो दोनों साथ मिलकर ही रोबो गोडजिला को हरा सकते हैं, इसलिए वो दोनों साथ में मेका गोडजिला पर वार करने लग जाते हैं। लेकिन मेका गोडजिला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन अब उसका चार्ज खत्म हो गया था। वो फिर भी उस एक्स से मेका गोडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन मेका गोडजिला कोंग को मारता है और वो कोंग को अपने पूंछ से मारने वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वही मेडिसन और उसके दोस्तों से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिसे मेका गोडजिला की पावर को कम किया जाए, इसीलिए जोश गुस्से में आकर बर्नी की बियर उस मशीन में डाल देता है, जिससे मेका गोडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर की मदद से कोंग की एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ जाती है और कोंग एक एक करके मेका गोडजिला के हाथ पैर काट देता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेका गोडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है, जिससे अब मेका गोडजिला पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और अब कोंग वहीं बैठ जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन तभी गोडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ते और गोडजिला वापस से पानी में लौट जाता है जहाँ से वो आया था। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोंग होलो अर्थ में होता है और वो वहाँ का किंग था, और अब डॉक्टर नेथन और डॉक्टर एंड्रयूज भी जिया के साथ होलो अर्थ में रहने लगे थे। और गाइस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।